बिल्कुल जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी। संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है दो दिनों के लिए, 28 और 29। वही बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उनके साथ जो कहें तो बिहार की सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी और मदन सहनी भी दिल्ली के लिए रवाना हुए, और पटना एयरपोर्ट से पर जब उनसे सवाल किया गया कि आप लोग दिल्ली जा रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए जो बिहार की राजनीति देश की राजनीति चल रही है उस पर समीक्षा की जाएगी, और जो आगामी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। पहले क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और मदन सहनी। बिल्कुल जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी, इसीलिए सब लोग ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर, लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन अश्विनी चौबे ने कहा है कि बीजेपी अपने दम पर विधानसभा आगामी चुनाव लड़े और सीएम के चेहरे चुनाव बाद उनका केंद्रीय असल में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा, इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं। सम्राट चौधरी कहे कि दोनों मंत्रियों किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है वो लोकसभा चुनाव के बाद रखा गया है, तो ये बैठक संगठन के लिए काफी अहम है, और जिस तरह से बात करें कि दो दिवसीय जो जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना है जिसमें जदयू के कई बड़े नेता और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, और वहीं बात करें तो जिस तरह से कहा जाए कि ये बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इसके पहले जो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह थे वो अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया है, तो वहीं जो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, और जिस तरह से जो ये लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक है तो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आगामी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो बैठकें कर रहे हैं, जहां एक तरफ कल बीजेपी का भी बैठक देखी गई तो वहीं आज और कल जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उससे पहले तमाम जो जदयू के बड़े बड़े नेता हों या बिहार सरकार के मंत्री हों वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।